हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल सोगन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस प्रकार के बल्ब है और आप इसको रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस एक दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास और आप आराम से इसको रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरे पास दो LED बल्ब पड़े हैं। जो इसमें फॉल्ट है दोस्तों, वो हमें ज़्यादातर सभी LED बल्ब में देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा फॉल्ट है। देखिए, ये वाला अगर मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, तो ये देख सकते हैं आप, इसकी जो सारे SMD LED है दोस्तों, वो ख़राब हो चुकी है। देखिए, सारे काले काले इसमें डॉट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार से ख़राब हो रखी है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको जला के दिखाता हूँ तो ये देखिए आप, बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। अगर इसकी जगह मैं एक सही वाले LED बल्ब इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला जो LED बल्ब है वो इसमें आराम से जल रहा है, जबकि ये वाला LED बल्ब इसमें जल भी नहीं रहा है। देखिए, एक ये है मेरे पास। इसी प्रकार का दिक्कत दोस्तों आपके पास भी बहुत बार आई होगी या फिर आ जाएगी, ठीक है। और आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको आराम से भी रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, इसमें देखिए इस दोस्तों, इसमें भी सेम वही दिक्कत है, जो इसकी एक SMD LED है वो ख़राब है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से रिपेयर करना है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। आपको इस प्रकार से कोई MCPCB ले लेनी होगी। देखिए दोस्तों, मेरे पास कुछ MCPCB पड़ी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ये तो मेरे पास सिस्का की है, ये आप ले सकते हैं मार्केट से, ठीक है। और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं, वो भी हाई क्वालिटी है, ये भी आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसी का इसको यूज़ करने वाला हूँ इसमें, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है और लोकल मार्केट में भी अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा आपको ये वाली ये वाले जो MCPCB है ये आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपको ये चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैंने दो MCPCB निकाल ली। अब देखो सिंपल सा हमें करना क्या होता है इसमें, हम सबसे पहले इसको निकालते हैं बाहर। देखिए यहाँ पर दो इसमें लॉक बने होते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, एक लॉक यहाँ से एक लॉक यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से हटा लेंगे, देखिए इस प्रकार से इसको हटा लेंगे और जो अपनी MCPCB है ख़राब वाली उसको निकाल लेते हैं बाहर। देखिए, ये बहुत ही टाइट चिपकी हुई है इसमें, थोड़ा सा इसमें देखिए आपको दिक्कत आ सकती है। देखिए, ये मेरी जो टिक्की है ये भी इसमें से उखड़ गई है, ठीक है। अब ये इतना टाइट क्यों इसमें लगा रखा है दोस्तों, ये क्या होता है ना, इसमें एक ये देखिए जो आपको सवेरे दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए ये है, इसमें एक हीटसिंक ट्यूब होती है, ठीक है। जो क्या काम करती है, एक तो सबसे पहले जो हमारी ये MCPCB है, ठीक है, इसको हीट होने से बचाती है, यानी कि इसको ठंडा रखती है। जब दोस्तों हमारी ये जो SMD LED है उसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं MCPCB, और जो इसमें लगी हुई है देखिए बल्ब, इसको बोलते हैं SMD, ठीक है। तो जब ये SMD हमारी ग्लो करती है तो जो हमारा MCPCB होता है ये पूरा हीट होता है, ठीक है। हीट होने के कारण ये जल्दी ही ख़राब हो जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हीट सिंक लगाते हैं। देखिए, जब हम इसमें हीट सिंक लगा देते हैं तो ये उतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, ठीक है, जिससे कि जो हमारी MCPCB होती है उसकी लाइफ थोड़ा बढ़ जाती है। देखिए, ये मैंने अलग कर दिया है, अब क्या करूँगा मैं इसको यहाँ से अलग कर देता हूँ। देखिए देखिए, इसके लिए आपको एक सोल्डरिंग आयरन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन के बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये आपके लोकल मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। देखिए, इस प्रकार का आप 25 वाट 35 वाट 60 वाट जो भी आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आप 25 वाट का ले, क्योंकि ये प्राइस में भी थोड़ा कम होता है और आपको चलाने में भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एक तो मैंने निकाल दिया दोस्तों, अब मैं दूसरे वाले को भी निकाल देता हूँ। देखिए, दूसरे वाले में भी सेम इसी प्रकार से लॉक बने हैं, हम इस लॉक को पहले इस प्रकार से हटा लेंगे और फिर इसको इस प्रकार से हटा लेंगे। देखिए, और अब हम इसके MCPCB को निकाल लेंगे। देखिए, इसके MCPCB वैसे ही चिपकी हुई है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको निकालने में। ये देखिए दोस्तों, ये भी बहुत टाइट से चिपकी हुई थी तो मुझे निकालते वक्त थोड़ा सा ये टेढ़ी हो गई, ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये अगर हमारी ख़राबी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको रिपेयर अब नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों, एक तो ये टेढ़ी हो चुकी है और जो इसके सारे प्रिंट है वो जल चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी अब ख़राबी हो चुकी है। देखिए, एक बार हम इसको उतार के भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। देख लीजिए,
मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ सामान नहीं है, थोड़ा एक छोटा सा ट्रैवल लगा हुआ होता है इसमें, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, अगर इसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपके लिए बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको हम फिट कर देते हैं। ये देखिए, अब मेरे पास ये वाला पेस्ट है, ठीक है, जो कि हमारे MCPCB को ठंडा रखेगा। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना इसके भी बना सकते हैं। देखिए, मैं पहले ये वाले जो MCPCB है दोस्तों, इसमें लगा लूँगा पेस्ट। ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है, ऐसा लगाना कि हर जगह ये लग जाए। देखिए, इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, MCPCB को ठंडी रखना, जिसके कारण हमारे MCPCB जल्दी ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसको सिंपल से इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे। देखिए, दोनों वायर को यहाँ से बाहर निकाल दिया और ये हमारा फिट हो चुका है। इस प्रकार से इसको रखना होगा। ये लॉक हमारे छोटे हो गए दोस्तों इस MCPCB के लिए। देखें, ये हमारे लॉक छोटे हो गए और हमारे MCPCB इसमें बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये लॉक लग नहीं पाएंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें ये वाला पेस्ट नहीं लगाते हैं अब, क्योंकि अब हमें इसको ज़रूरत है इसमें चिपकाने की। तो चिपकाने के लिए दोस्तों ये वाला पेस्ट होता है, इसको बोलते हैं दोस्तों सिलिकॉन पेस्ट। ये क्या करता है, ये MCPCB को चिपकाने का काम भी करता है और MCPCB को ठंडी रखने का भी काम करता है। देखिए, जो इसमें पहले लगा था वो यही वाला पेस्ट लगा था। देखिए, इस वाला, ये वाला पेस्ट दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी ठीक है। आप तो अब ये देख सकते हैं, ये ऐसा हमने फिट कर देना है, ठीक है। तो अभी ये फिट हो चुका है और थोड़े सूखने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा दोस्तों। एक बार अगर ये सूख जाता है तो फिर ये बिल्कुल इसमें जाम हो जाएगा। तो हम थोड़ी देर इसको साइड में रख लेते हैं और दूसरे वाले को भी हम इसमें सेट कर देते हैं, क्योंकि जो ये वाला पेस्ट है दोस्तों, ये इसमें चिपकेगा नहीं, ठीक है, ये चिपकने वाला पेस्ट नहीं है। तो हम ये वाला पेस्ट इसमें लगाते हैं। देखिए, इस प्रकार से इसमें अंदर लगाता हूँ मैं, ताकि ये थोड़ा चिपक जाए, ठीक है। अगर आपको ये वाला ट्यूब लेना है तो आप इसको ले सकते हैं वैसे, ठीक है। ये देखिए, इस प्रकार से हम इसको रख देंगे, हल्का सा इसको दबा देंगे। देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारा काम इतना हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये सूखते रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों की सोल्डिंग कर देते हैं। देखिए, सोल्डिंग करने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ सोल्डिंग पेस्ट लगाना होगा। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर सोल्डिंग पेस्ट लगाएंगे, ताकि हमारी सोल्डिंग बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है, और वो बाद में उखड़े ना। उसके लिए हमें सोल्डिंग पेस्ट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, उसके बाद क्या करना है, हमें हल्का हल्का इसमें सोल्डिंग कर देनी। देखिए, इस प्रकार से इसमें सोल्डिंग हम कर देंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था कि ब्लैक वाला माइनस है और रेड वाला प्लस है, तो हम प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कनेक्ट कर देते हैं। देखिए, अभी दोस्तों ये सूखा नहीं है, ठीक है, पेस्ट हमारा। अगर एक बार ये सूख जाएगा ना तो ये अपनी जगह में फिक्स हो जाएगा और कहीं हिलेगा डुलेगा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो फिर ये चिपक जाएगा, और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको सुखाऊँ। आप क्या करिएगा, जब ये पेस्ट लगाइएगा तो कुछ देर, यानी कि 5 से 7 मिनट इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर ये एकदम परफेक्ट इसमें चिपक जाएगा और ये हिलेगा डुलेगा बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। जैसे इसमें पहले लगाया था ना लॉक, वैसे ठीक वैसे ही ये काम करने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपके जो MCPCB है उसमें यहाँ पे स्क्रू लगे हो, देखिए स्क्रू लगे हो, अगर स्क्रू लगे होंगे तो आपके लिए और भी अच्छा है, आप इसको स्क्रू लगा के टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है, इसको मैं अभी साइड में रखता हूँ, ठीक है।
दोनों को एक साथ चेक करेंगे हम। अब ये वाला लगाता हूँ, देखिए ये वाला में भी सेम वही है। देखिए इसमें सोल्डिंग हो चुकी है मेरी, उखड़ गई थी उस टाइम में, हिल रहा था दोस्तों, मैंने किया नहीं था, आपको पहले बताया, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार से माइनस में माइनस और प्लस में प्लस लगा देंगे। देखिए देखिए ये भी हिल रहा है, सूखा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों अभी, ठीक है। अगर मैं सूखने का वेट करूँ तो मेरी जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए इतना सा काम है दोस्तों, इतना हमें करना है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करा के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला एलईडी बल्ब देख लीजिए आप, ये देखिए क्या ज़बरदस्त ये ग्लो कर रहा है, ठीक है। ये हो गया, और दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको, ये वाला देख लीजिए आप, दोनों क्या परफेक्ट और ज़बरदस्त ये ग्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इसी प्रकार से इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप रिपेयर करते हैं अपने घर में ही तो सही है, आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। इस प्रकार का बल्ब आप बाज़ार में लेने जाओ दोस्तों तो काफ़ी महंगा पड़ता है, यानी कि 100-120 तक आपको पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत ही कम कॉस्ट में मात्र 10 रुपये का खर्चा करके आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये MCPC भी चाहिए होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही था दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी आपको वो बताइए। कोई सुझाव हो या फिर आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए LED बल्ब से संबंधित तो मुझे कमेंट सेक्शन पर आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में सूख जाएगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, टेक केयर, बाय बाय।